जैसा कि आपको पता है बीआर रैंक का न्यू सीजन आ चुका था एंड वेपन ग्लोरी वापस से कम्प्लीटली रिसेट हो चुका था। एंड इस सीजन में वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूँ MP40 मैन इंडिया का टाइटल को भी अचीव करूंगा। ऑलरेडी मैं काफी लेट हो चुका हूँ मैं वेपन ग्लोरी पुश करने में, सो बिना किसी देरी के बढ़ते गेम प्ले के ऊपर एंड ये रहने वाला है सीरीज का एपिसोड नंबर फर्स्ट। ऑल राइट दोस्तों, मैं खेल रहा था यहाँ पर सोलो मोड एंड मैं उतरा था नेक्स्ट एरा में जीपीओ के पास एंड यहाँ पर उतरती एक बंदे की पेटी बना देता हूँ एंड मेरे को मिल जाती इस लूट बॉक्स में MP40। अब जस्ट यहाँ पर बंदे की तलाश है तो चलो भाई बंदे की तलाश में चलते हैं क्योंकि यार MP40 ग्लोरी भी तो पुश करनी है हमको। ओके यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बॉक्सिंग जिम के पास एंड यहाँ पर फाइट चल रही है एंड दो बंदे आपस में कुत्तों कुत्ते लड़ रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग थर्ड पार्टी करते हैं एंड ग्लू वॉल के अंदर ही एनिमी है। ओके तो मैडम जी और भाई MP40 को क्या ही तो हेडशॉट लग गया इसको एंड इसके पास लूट तो देखो भाई क्या ही तो खतरनाक लेवल वाली लूट है। सो फटाफट से लूट करके यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं, M60 CCC उठा लेता हूँ एंड जैसे मैं जोन में जा रहा था मेरे को सामने दिखता है एक एनिमी जिसको मैं बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं फिर सोचता हूँ फटाफट से जोन निकलते हैं, बट मेरे पास SMG ammo काफ़ी कम थी इसलिए मैं सामने वाली लूट बॉक्स को लूटने लग जाता हूँ एंड मेरे को SMG ammo भी मिल जाती है। सो यहाँ पर जोन काफ़ी दूर जा चुका था इसलिए मैं पहले जोन कवर करता हूँ और ये देखो अभी टॉप 10 फाइनल फाइट होने वाला है भाई। टॉप 10 के अंदर आ गए तो यहाँ से मेरे को भुया को मिस नहीं करना, पूरा कुछ भी हो जाए मेरे को भुया को यहाँ पर होल्ड करके रखना है इसलिए मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ एंड सबसे पहले मैं ऊपर वाली लोकेशन को पहले टारगेट करता हूँ, मेरे को वो वाला कवर करना, बट यार पीछे से मेरे को शॉट पड़ते एंड सामने से मेरे पे कोई बंदा ग्रेनेड फेंक रहा होता है इसलिए मैं थोड़ा सामने वाले बंदे को फायर देता हूँ बट वो कवर में चला जाता है एंड मैं इस घर के पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, इतने मेरे को फुटस्टेप आते हैं, पीछे से एक बंदा नीचे कूद चुका एंड इसके पास था चार्ज बूस्टर और मेरे पास थी ग्लोअर यहाँ पर खत्म हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा बैक ऑफ करता हूँ एंड ये बंदा रश करता है सिस्टम पार देंगे MP40 से बच नहीं पाता बंदा और हो जाता है फिनिश। यहाँ पर हम लोग टॉप 7 में आ चुके थे और MP40 से मैंने 2 kill भी यहाँ पर निकाल लिया था। सो यहाँ पर मैं फटाफट से इस घर के ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि यार सामने वाले बंदे को भी तो मारना यार, वो बंदा मेरे को पीछे से मार रहा था जब मैं जोन में जा रहा था, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ओके सबसे पहले मैंने इसका किल चोरी कर लिया, अब इसको भी मारेंगे, आयरिस यहाँ पर ऑन कर लिया मैंने। ऑल राइट वेट, ये बंदा पीछे जा रहा और इसको भी कर दिया फिनिश, क्या बात है। चलो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी उठाते हैं, यहाँ से जोन कवर करते हैं एंड जोन यहाँ पर काफ़ी छोटा हो रहा है इसलिए हम लोग ये वाला घर को टारगेट करेंगे एंड यहाँ पर थोड़ी देर जोन भी था तो हम लोग यहीं पर थोड़ी देर वेट करेंगे एंड उसके बाद ही जाएंगे क्योंकि यार बुइया हमें कुछ भी करना है, बुइया मिस नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर अभी मेरे को छोड़कर जस्ट 2 बंदे बचे थे लास्ट के इसलिए मैं ऊपर के साइड आता हूँ। यहाँ पर एक बंदा अभी फाइट कर रहा था तो मैं इस पर रश कर देता हूँ, इसको पता नहीं चलेगा बट इस बंदे को पता चल गया था एंड थोड़ा मोमेंट दिखा के इसको भी फिनिश कर देता हूँ एंड जस्ट लास्ट का 1v1 फाइट था यहाँ पर। ओके यहाँ पर गाइस मैं मेडिकिट लगा लेता हूँ एंड वो बंदा मेरे को डैमेज सोच के मेरे पर रश कर देता है एंड वो बंदा है देखो गाइस पूरा जोन के अंदर से घूम के आता है मेरे को मारने के लिए, बट यार उसके पास सैंटिनो करेक्टर है, मैंने ध्यान नहीं दिया और बंदा अचानक से मेरे को पीछे टेलीपोर्ट होकर मारने लग जाता है एंड मेरे को पता था वापस से इधर ही टेलीपोर्ट होगा इसलिए मैंने पहले ग्लू वॉल लगा दिया इधर। सिचुएशन है भुया तो मुझे मिस नहीं करना और उसका सैंटिनो अभी भी एक्टिव है भाई, इस सैंटिनो कितना बार हम लोग यूज कर सकते हैं आप लोग मुझे कमेंट बताना, मेरे को पता नहीं है। बाकी यहाँ पर रुको पहले सुपर मेडिकेट कर लेता हूँ मैं फटाफट से, जोन तो देखो कितना छोटा हो चुका है। ओके वेट ग्लोअल से बाहर निकलते आजा मुन्ना और ये बॉडी हेड का मिक्सर और भाई लास्ट में क्या ही तो हेड पड़ता है एंड इस गेम को हमने कर लिया था भुया भाई, पहला ही सीरीज का पहला गेम प्ले था एंड इस गेम को हमने कर लिया बुइया एंड मेरे को पूरी MP40 की ग्लोरी भी मिल जाती है। सो बढ़ते नेक्स्ट गेम में, इस गेम में अभी तक मैंने 7 kill निकाल लिए थे लिटरली, अब जाके मेरे को MP40 यहाँ पर मिलती है एंड अभी टॉप 14 बंदी है लाइव है तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा मुश्किल होने वाली है MP40 से किल निकालने में, तो मेरे को पूरा लास्ट तक जाना पड़ेगा। पहले सुपर मेडिकेट मारता हूँ बिकॉज यार जोन भी यहाँ पर आगे की तरफ श्रिंक हो रहा है, तो फटाफट से ग्लूअल को ब्रेक करते एंड यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जोन की तरफ ही निकलेंगे। ओके तो फटाफट जोन निकलते हैं हम लोग, यहाँ पर आसपास कोई बंदा ना मिल जाए यार, मेरे को पहले जोन में जाना है मेरे को यहाँ पर, और SMG में MO भी यहाँ पर काफ़ी कम है। ओके यहाँ पर सामने से एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक चला रहा है, ओके वो नीचे उतर गया भाई मेरे को मारने के लिए, ये ले मुन्ना भाई हमको मारेगा भाई, MP40 तो नहीं पर M14 से हेडशॉट लगा दिया मैंने उसको। ऑल राइट तो यहाँ पर मेरे को ना पीछे से एक बंदा दिखा भाई, फायर का साउंड आ रहा था। ओके पहले ग्लोबल के कवर में चलते, ओके वो रहा सामने आ रहा है, क्या इसको मेरी लोकेशन पता नहीं, आई थिंक सो, रुको वेट करते हैं यहीं पर थोड़ी देर, और जोन आ रहा है इसके पास तो रस तो करेगा ये जा, अरे भाई फायर मिस हो गया, चलो कोई ना एंड इसके पास भी MP40 है। ओके थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा मेरे को, और ये बाहर निकला, अबे भाई ड्रैग मिस हो गया यार जंप करके और ये मुन्ना हो चुका है फिनिश भाई, डैमेज था ये बंदा यार काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी से में फिनिश हो गया। चलो गाइस फटाफट से हम लोग जोन आ चुके हैं
एंड यहाँ पर भाई मैं लिटरली मरते मरते बचा हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर मैं रिपेयर किट उठाने जा रहा था एंड इतने मेरे को एक बंदा सामने से M2B का 2 शॉट लगा देता है भाई। एंड भाई मेरी वाइफ फट के एकदम लिटरली, क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर फटाफट से मैं मॉन्स्टर ट्रक को भी मंगा लेता हूँ एंड 2 सुपर मेडकिट लगा लेता हूँ मैं फटाफट से, एकदम अमर बन जाता हूँ वापस से। एंड मॉन्स्टर ट्रक को उठा कर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जोन की तरफ निकल लेता हूँ। सो फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट जोन में जाएंगे, कहीं भी हम लोग रुकेंगे नहीं। ओके ब्रिज के नीचे एक बंदा मेरे को दिखा है तो मॉन्स्टर ट्रक को थोड़ा आराम देते एंड इस बंदे के साथ थोड़े मजे करते हम लोग। रुको, इस बंदे को मैंने हेड दिया भाई और बॉडी भी दिया थोड़ा वेट। ये बंदे ने ग्लूवल से अपने आप को पैक कर लिया, पहले ग्लूवल लगाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एंड उसके बाद आयरिस ऑन करके इस बंदे को भी कर दिया हम लोगों ने फिनिश। एंड भाई इतने में एक बंदा मेरे पे रश कर देता भाई गाड़ी से, भाई एकदम अच्छा हो मैंने सही टाइम पे जंप लगा दिया था। ओके ये ओरियन बन चुका भाई, अब मैं मर जाऊंगा आई थिंक सो। ओके वेट, पैक करते अपने आप को सबसे पहले एंड यहाँ से मेडकिट लगाना पड़ेगा मेरे को। अभी भाई ये बंदा कितना चालू है यार, इस बंदे ने गाड़ी से मेरी ग्लूवल तोड़ दी। रुको इसके गाड़ी में बैठ चुका हूँ मैं, अभी कहाँ जा रहा है जोन के अंदर भाई, ये पागल बंदा है। रुको मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, ये बंदा भी इधर ही रुका है। रुको भाई 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 क्या बंदा है यार, खुद तो मरेगा मेरे को भी ले मरेगा, वही बात होगी यार, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। रुको रुको भाई ये बंदा मर चुका आई थिंक सो। अभी अपन फटाफट पहले जोन निकलता हूँ, लास्ट ही ग्लूवल था यार वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, अभी मेरे पास एक भी ग्लूवल नहीं है यार, तो मेरे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर 10 बंदे मैंने यहाँ पर मार चुका हूँ एंड जस्ट लास्ट के टॉप 5 ही बंदे अलाइव है तो इसको भी मारता हूँ। रुको आयरिस ऑन किया एंड डैमेज हो चुका बंदा काफ़ी ज़्यादा, तो अभी एक ही गोली का एंड इसको मार के मैंने कर दिया फिनिश। एंड एमओ भी मेरे को यहाँ से मिल चुकी है अच्छी खासी एंड अभी मेरे को थोड़ा देख के खेलना, बुया मिस नहीं करना क्योंकि जस्ट लास्ट का एक ही बंदा अलाइव है। एंड मेरे किल तो देखो भाई 11 किल हो चुके हैं भाई, ओपी तो बनता है भाई। लाइक नहीं करा तो गाइस सारे भाई लोग इस गेम प्ले के लिए लाइक कर देना, और ये बंदा डायरेक्ट मेरे पर रश कर देता है भाई। रुको 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 इसको भी हम लोग रश करके मारेंगे एंड भाई क्यों ही तो हेड मारा एकदम तगड़े वाले मैंने इसको। एंड भाई अच्छे से पैक तो कर लेते यार, इतनी जगह खाली थी तुम्हारी, भारी मिस्टेक हो गया सर। एंड ये गेम भी हमारा हो चुका है बुया 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 एकदम ओपी लेवल वाला, क्या बात है सर। ऑलराइट तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर बैक मारते हैं, देखते हैं अपने को ग्लोरी मिली कि नहीं मिली। और इस गेम में भी हमें पूरी वेपन ग्लोरी प्लस मिल जाती है एंड साथ ही साथ 12 किल के साथ। एंड हम लोग जैसे बैक मारते हैं हमारा लग जाता है वापस से ग्रैंड मास्टर। वापस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी ग्रैंड मास्टर लगाया था पर मैंने खेलना कम कर दिया, इसलिए मैंने ग्रैंड मास्टर उतर गया था, बट मेरा वापस से लग चुका है। ओके बढ़ते नेक्स्ट गेम में, इस गेम में मेरे को MP40 मिलती है, इतने में एक बंदा भाई क्या ही तो डैमेज कर देता है मेरे को यार। सो मैं फटाफट से सुपर मेडिकेट लगा लेता हूँ अपने आप को, और वो बंदा मेरे पर रश कर रहा वेट भाई, लॉन्चर मार रहा भाई, कितना चालू बंदा है भाई। मेरे को लग रहा था मैं मर ना जाऊँ बट तुम्हारा भाई प्रो है समझ रहे हो भाई, क्या ही तो हेडशॉट लगा दिया इसको भी। ओके इसको मैंने यहाँ पर जैसे तैसे मार तो दिया, यहाँ पर मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ अर्सनल के पास एंड यहाँ से मैं स्कार ट्रिपल चिप उठाता हूँ एंड वेस्ट ले लेता हूँ। एंड मेरे पास इलाइट एंड्रयू था जिससे मैं कि 1v1 फाइट तो आराम से निकाल लूँ। एंड मैं बढ़ जाता हूँ बंदे की तलाश में एंड इतने में एक बंदा मेरे को दिखता है जिसके पास थी M10, सो मैं थोड़ा सा रेंज बना के इसको भी MP40 का कर रहे वाले हेडशॉट लगा देता हूँ। एंड इसको भी फिनिश करने के बाद मैं फटाफट से मेडिकेट लगाता हूँ एंड वापस से बंदे की तलाश में चला जाता हूँ। एंड इस ब्रिज के ऊपर आके मैं जैसे ही एमओ उठा रहा था एक बंदा अचानक से मेरे पे रश करता, इसको भी भाई देख रहे हो क्या ही तो हेड लगता भाई MP40 से, MP40 के आगे कोई बोल सकता है क्या। एंड जस्ट अभी लास्ट का अकेला बंदा बचा हुआ है, कुछ भी करना है इस गेम को भी मेरे को बुया निकालना है, बुया मिस नहीं होना चाहिए एंड साथ ही साथ मेरे को पूरी वेपन ग्लोरी तो प्लस मिल ही जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा खेल दी लकड़ी, मेरे को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा, वेट काफ़ी डैमेज है। आयरिस ऑन करते सही टाइम पे और डायरेक्ट हेड पे एम लेके भाई हेड से एलिमिनेट कर दिया एंड ये गेम भी हो चुका है हमारा बुया बुया बुया। सो फटाफट से बैक मारते एंड इस गेम में भी हमें पूरी वेपन ग्लोरी प्लस मिल चुकी है साथ ही साथ 2 की बुया स्ट्रिक। यही था हमारा एपिसोड नंबर 1। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर ही देना भाइयों, बाकी आप लोग कमेंट कर देना, आप सबके कमेंट भी रीड करूंगा। एंड वेपन ग्लोरी स्कोर में हम लोग डिस्ट्रिक्ट में टॉप 40 पे आ चुके हैं एंड दिल्ली की बात की जाए दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि यार हमने लेट पुशिंग स्टार्ट की थी, तो सबसे लास्ट वाले का जो स्कोर है यहाँ पर 8674 है, तो अपन बहुत जल्दी दिल्ली में भी आ जाएंगे। बाकी मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।